बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। माशाल्लाह से मैंने आज अंडे वाले सेमियाँ बनाए थे, तो मैं ये पोस्ट करना चाह रही थी। इसको मैंने कैसे बनाया, तो ये देखें, बहुत इजी मेथड है। मैंने प्याज और हरी मिर्च को पीस लिया है, ऑयल में डालकर फ्राई कर रही हूँ। सुबह सुबह बनाना होता है तो ये थोड़ा जल्दी बन जाता है मेथड से। ये प्याज भी अच्छे से जल जाती है इसमें, ना कि बहुत ये होती है। तो ये देखें, मैं इसमें थोड़ा ऑयल डाल के सेमिया में अवन में रख लूँगी। सेमिया भुन जाएंगी अवन में, तो 3 मिनट के लिए मैंने रखा हुआ है सेमिया को भूनने के लिए। तो ये भून रही हैं, जब तक मैं ये प्याज और हरी मिर्च जो मैंने मिक्सी में मोटा मोटा पीसा हुआ है इसको फ्राई कर रही हूँ। अब थोड़ा अदरक लहसुन 1 स्पून के बराबर इसमें जो गरम मसाला मिक्स हुआ है वो फ्राई कर लूँगी। तो मैंने 1/2 किलो सेमियाँ लिए हैं, तो मैं 4 टमाटर, 2 बड़े प्याज, 6 हरी मिर्च लिए हुए हैं। क्वांटिटी भी बता रही हूँ, बहुत इजी से बन जाएगा ऐसे बनाने से। थोड़ा हरा धनिया टमाटर में भी मैं पीस रही हूँ। ये आप मैं पीस कर क्यों बना रही हूँ, इसलिए कि आपको मसाला अच्छे से सभी सेमियाँ में मिक्स हो, और आपको ये पीस कर बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। काट कर भी बनाते हैं, पतली प्याज बहुत पतली काटनी होती है और टमाटर भी बहुत पतले काटने होती हैं। आजकल टमाटर जितना भी आप पतले काटो गलती ही नहीं है, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। ये तरीका बहुत इजी होता है, बनाकर देखें। सभी कहते हैं मिक्सी में पीस कर डालने से वो टेस्ट बदल जाता है, पर एक बार मैंने ऐसा सोचा, ऐसे भी हम ट्राई करते हैं करके, मगर ये बहुत मज़ेदार लगा मुझे, तो मैं यही ट्राई कर रही हूँ हर रोज़। तो इसको जब तक ऑयल अलग ना हो जाए मसाले से, तब तक फ्राई करना है। तो अब मसाले से ऑयल अलग हो रहा है, आप चिकन भी डाल सकते हैं। मैं अंडे डाल रही हूँ, थोड़ी देर अंडे पकने देते हैं। नमक भी डाल दिया है मैंने, वो वीडियो शायद मैंने इधर उधर हो गया है, मैंने नमक डाला हुआ है, तो अंडे पक रहे हैं। हाँ देखिए, इसमें नमक डाल रही हूँ मैं, दिख रहा है। तो जब तक ये अंडे पकते हैं, मैं पानी को गर्म करती हूँ। तो ये देखिए, पानी गर्म हो गया, अब इसमें डाल लूँगी। इसके बाद मैं अवन में से सेवियाँ काट के इसमें डाल दूँगी। माशाल्लाह से सेवियाँ सुबह सुबह गर्म गर्म चाय के साथ खा ली है हमने, बहुत मज़े के थे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये मेरा मेथड, और बहुत इजी से बनने का मेथड है। सुबह सुबह जल्दी जल्दी में होते हैं हम सभी लोग। नमक ठीक है या नहीं चेक कर देख रही थी, अच्छा है। तो ये देखें, अब ये थोड़ा पानी उबलने देते हैं। पानी तो गर्म डाला हुआ है, फिर भी वो उबला नहीं, तो ये सेवैयाँ भुन गए हैं। मैंने 4 मिनट के लिए अवन में रखा था सेवैयों को। तो अब ये देखिए, अंडे भी पक गए हैं, तो आप डाल लें। इसमें चिकन भी डाल सकते हैं आप छोटे छोटे काट कर। मैं ज़्यादातर अंडे ही डालती हूँ, कभी कभार चिकन यूज़ करती हूँ। तो ये देखें, आराम से पक जाएंगे आपको 15 मिनट में ये, बस बहुत इजी से बन जाएंगे। अल्लाह के फजल से सुबह सुबह इतना वक्त नहीं होता हमारे पास, अल्लाह के फजल से ये जल्दी जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। और ये आप टिफ़िन भी बना कर दे सकते हैं बच्चों को, पर ये एक प्रॉब्लम होता है, अगर ये गरम गरम खाए तो बहुत टेस्टी होती हैं, अगर दोपहर में खाएंगे तो थोड़ा चिपक जाएंगे। पर आप सेवैयाँ अगर अच्छे से भुनी हुई हैं तो चिपकेंगे नहीं। तो मैं चाय भी बाजू में चढ़ा लूँगी, तो चाय की पत्ती डाल लिया मैंने, दूध चाय की पत्ती। मैं चाय की पत्ती में ही शुगर मिक्स करके रख देती हूँ, क्योंकि 2-2 डब्बे उठाकर डालने का इतना टाइम नहीं रहता सुबह सुबह। तो चाय बन रही है, ये थोड़ा पानी हो जाए सेवैयों में तो दम दे दूँगी। माशाल्लाह से हो गए हैं,
तो अब मैं इसको दम दे रही हूँ, थोड़ी देर में दम दे दूँगी। अल्लाह के फजल से मैं एडिट करती हूँ रात में, सभी सोए होते हैं तो मैं थोड़ा धीरे बोलती रहती हूँ, तो ये साउंड रिकॉर्डिंग कैसे आता है मुझे नहीं समझ में आता, तो माफ़ कीजिएगा साउंड अगर रिकॉर्डिंग सही नहीं है तो। एक देखें, सेवैयाँ काट लूँगी मैं अब इसमें, माशाल्लाह से सेवैयाँ डिश आउट करके पहले तो बच्चों को खिला देते हैं, स्कूल को जाना होता है बच्चे। तो ये देखें, अंडे आप अगर ज़्यादा डालेंगे तो भी वही मज़ा होगा, कम डालेंगे तो भी वही मज़ा होगा, मगर बहरहाल मैं जितने लोग होते हैं उतने अंडे डालती हूँ। बस ये देखें, मैं थोड़े सेवैयाँ काट कर आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बन गए हैं सेवैयाँ, खाने के लिए तैयार हैं। आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चाय भी बन गई, अल्लाह हाफिज़।